प्रोग्रामिंग क्लास 10th। प्रीवियस लेक्चर में हमने जनरल पॉइंट्स डिस्कस करे, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के, है ना। हमने डोमिनेंस ट्रायड, ऑफ ऑक्टेव, ये सारी चीजें देखी। आज हम बात करेंगे मेंडेलियव्स पीरियोडिक टेबल की, या इसको हम बोलते हैं मेंडेलियव्स क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ये फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने एक ऑथेंटिक पीरियोडिक टेबल को जनरेट करा। मतलब ऐसे तो बहुत सारी टेबल जनरेट हुई, मतलब जब कोई डिस्कवरी होती है तो मैक्सिमम साइंटिस्ट क्या करते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं, बट उसमें से जिसका कंट्रीब्यूशन अच्छा है उसको रिकॉग्निशन मिलती है। तो मेंडेलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी वो उनमें से एक थी जिसको एक अच्छा रिकॉग्निशन मिला। अब एट दैट टाइम क्या था, टोटल 63 एलिमेंट्स वर क्लासिफाइड। मतलब उस समय जब मेंडेलीव था उस समय नेचर में 63 एलिमेंट्स प्रेजेंट थे। उसने क्या करा, 63 एलिमेंट्स को क्लासिफाइड करा, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, दिस टेबल और दिस क्लासिफिकेशन आल्सो बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। अभी तक एटॉमिक मास का रोल है, मॉडर्न टेबल में चेंज हो जाएगा अभी आगे, ना। तो क्वेश्चन पूछ ले, व्हाट वाज द बेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल, तो आपको लिखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। नंबर थ्री, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास उसने अपना एक लॉ दिया जिसको हम बोलते हैं मेंडेलीव्स पीरियोडिक लॉ। अब ये लॉ क्या बोलता है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। मतलब किसी एलिमेंट की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज उसके एटॉमिक मास पर डिपेंड करती हैं। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होता है डिपेंड करना और रिपीट होना। तो क्या बोल रहा है, देखिए, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, सही है। जो तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, उसने अपनी पीरियोडिक टेबल को टू पार्ट्स में डिवाइड करा, 6 पीरियड और 8 ग्रुप्स में। ये जो आपका है 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसको हम बोलते हैं पीरियड, और ये जो है आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये ग्रुप्स पे। तो जनरल क्वेश्चन पूछेगा आपसे मेंडेलीव की टेबल में कितने पीरियड थे, कितने ग्रुप थे, तो आपको लिखना है टोटल 6 पीरियड एंड 8 ग्रुप्स आर प्रेजेंट, सही है। तो ये जनरल पॉइंट्स है मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल के। अब क्वेश्चन आता है कि उसने अपने एलिमेंट्स को कैसे क्लासीफाई करा वेरियस ग्रुप्स एंड वेरियस पीरियड्स में, तो वो चीज देखते हैं हम, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट वही पार्ट है। ये आपसे बहुत रेयर चांस पूछेगा, बट आपसे ये जरूर पूछेगा हाउ द एलिमेंट्स वर क्लासिफाइड इन मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल, तो वो करते हैं डिस्कस डिटेल में। देखिए, ये आपके सामने मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेट है। टोटल पीरियड है 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ऊपर लिखे टॉप पर टोटल ग्रुप्स हैं 8, जो मैंने रोमन में लिखे हुए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, सही है। अब देखिए क्वेश्चन आया, उसने एलिमेंट्स को अपनी पीरियोडिक टेबल में कैसे अरेंज करा, तो उसने क्या करा, एलिमेंट को रिप्रेजेंट करा आर से। आर का मतलब क्या है, आर का मतलब है एलिमेंट। उसने आर से रिप्रेजेंट करा एलिमेंट को, और उसने ईच एलिमेंट की केमिकल रिएक्शन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ करा के देखी, और जिन जिन एलिमेंट्स का केमिकल फॉर्मूला सेम मिला उनको उसने एक साथ रखना शुरू करा। फिर सुन लो मेरी बात, उसने क्या करा, पूरे 63 एलिमेंट्स की रिएक्शन कराई ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन से, और जो कंपाउंड्स फॉर्म हुए उन कंपाउंड्स के केमिकल फॉर्मूला में सिमिलरिटी के बेस पर उसने एलिमेंट्स को सेम ग्रुप में अरेंज करना शुरू करा। मैं करके दिखा रहा हूँ कि प्रैक्टिकल बना नहीं आएगा समझ में। जैसे देखिए, मैं रैंडमली ले रहा हूँ, जैसे आपका लिथियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, बोरोन है, कैल्शियम है और सोडियम है। अगर हम लिथियम की रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन से तो ये बनता है Li2O, और लिथियम की रिएक्शन करते हैं हाइड्रोजन से तो ये बनता है LiH। लिथियम की वैलेंसी प्लस वन होती है। सिमिलरली Ni करते हैं तो बनता है Na2O, और H से करते हैं तो NH। तो उसने क्या देखा, क्या लिथियम का भी फॉर्मूला LiH है, सोडियम का भी फॉर्मूला NaH है,
लिथियम का ऑक्साइड Li2O है, सोडियम का ऑक्साइड भी Na2O है, तो उसको क्यों लगा? उसको लगा अगर लिथियम के हाइड्राइड और ऑक्साइड का फॉर्मूला सोडियम के ऑक्साइड और हाइड्राइड के जैसा है तो इसका मतलब क्या है, लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी सेम है। अब देखो LiH किसको मैच कर रहा है, इसको मैच कर रहा है, Li2O किसको मैच कर रहा है, इसको मैच कर रहा है। उसने क्या सोचा कि LiH और Li2O, NaH और Na2O दोनों एक जैसे केमिकल फॉर्मूला है, इसका मतलब दोनों की प्रॉपर्टी सेम है। तो उसने क्या कहा, इस ग्रुप में जाकर यहां ऊपर रखा Li को और यहां रखा Na को, क्लियर। सो सिंपल मीनिंग ये है, मेंडेलीव अलाउ द रिएक्शन ऑफ एलिमेंट विद ऑक्सीजन एंड लिथ, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, एंड ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला ऑफ फॉर्म्ड ऑक्साइड एंड हाइड्राइड एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटी ही अरेंज द एलिमेंट्स इन सेम ग्रुप। मतलब क्या करा उसने, उसने इन सारे एलिमेंट्स की रिएक्शन करके देखी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ, और बनने वाले ऑक्साइड और हाइड्राइड के फॉर्मूला को कंपेयर करा एंड सिमिलर फॉर्मूला के एलिमेंट्स को सेम ग्रुप में अरेंज करा, एंड दिस वॉज द बेसिक रीजन बिहाइंड द क्लासिफिकेशन। इस ऐसे उसने एलिमेंट्स को अलग अलग ग्रुप में और पीरियड में डिवाइड करा। और जैसे देखो MgO, तो MgO2 से करके रिएक्शन क्या बनाएगा, MgO, CA क्या बनाएगा, CaO। अब देखो RO कहाँ है फॉर्मूला, ये RO, देखो ये RO है, उसने क्या करा यहाँ रखा किसको, आपके MgO इस जगह आएगा, सोडियम की बात है, और यहाँ रखा नीचे CaO। That was the basic idea behind it, the arrangement of elements. इस तरीके से उसने एलिमेंट को क्या करा, अरेंज करा, सही है। तो ये ध्यान रखना है, ये भूलना नहीं है, क्लियर है। देखिए बेटा क्वेश्चन आता है अब, what was the merits of Mendeleev's periodic table? मतलब Mendeleev की जो periodic table थी उसके achievement क्या क्या थे। आपसे इस जो ये जो topic है मेंडेलीव क्लासिफिकेशन, इसमें सबसे ज्यादा आपसे पूछेगा अचीवमेंट एंड ड्रॉबैक, ये ध्यान से पढ़ने। अचीवमेंट नंबर वन था, ही लेफ्ट गैप फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट बट देयर प्रॉपर्टीज वर आइडेंटिफाइड अर्लियर। मतलब ये था, उसने वो एलिमेंट्स जो डिस्कवर नहीं हुए थे उन एलिमेंट्स के लिए उसने क्या करा, अपनी टेबल में गैप छोड़ दी, स्पेस छोड़ दिया, लेकिन डिस्कवरी से पहले ही उसने क्या करा, उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई कर लिया। जैसे एग्जांपल देखो आप, एल्यूमिनियम के नीचे आता है आपका गैलियम, अभी जो टेबल है उसके अकॉर्डिंग, और सिलिकॉन के नीचे आता है जर्मेनियम। जब गैलियम और जर्मेनियम की डिस्कवरी नहीं हुई थी, ये जब डिस्कवर नहीं हुए थे, तो उसने क्या करा, वहां एल्यूमिनियम के नीचे गैप क्रिएट करा और गैप छोड़ दिया, लेकिन उसने क्या करा, इनकी डिस्कवरी से पहले ही उसकी प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई कर लिया। क्यों कर लिया, उसने बोला कि भाई जो प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम की है वैसी प्रॉपर्टी किसकी होगी, जो एलिमेंट डिस्कवर होगा, बिकॉज एल्यूमिनियम और गैलियम क्या है, एक ही ग्रुप के मेंबर हैं। सिमिलरली सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है, एक ही ग्रुप के मेंबर हैं। तो डिस्कवरी से पहले उसने क्या पहचान लिया कि भाई अब जो भी आगे डिस्कवर होगा सिलिकॉन के नीचे, उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल कैसी होंगी, सिलिकॉन जैसी होंगी। क्यों, क्योंकि सिलिकॉन और जो डिस्कवर होने वाला एलिमेंट है वो दोनों क्या है, सेम ग्रुप के एलिमेंट है, और ग्रुप में हम किसको रखते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज सेम होती है, ये पॉइंट नंबर वन। और जब तक आपके एल्यूमिनियम और सिलिकॉन डिस्कवर नहीं हुए तब तक उसने उन एलिमेंट्स को क्या बोला, एक का एल्यूमिनियम एक का सिलिकॉन। तो अब इसको सुनो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में ना, तो कैसे लिखेंगे हम बोर्ड एग्जाम में, हम लिखेंगे He left some gap in his periodic table for undiscovered element, but their properties were identified before their discovery. Example, below the aluminium, he left gap and put the name Eka aluminium. And below the silicon, he left gap and put the name Eka silicon. But when the germanium and silicon when the germanium and gallium were discovered, Eka aluminium and Eka silicon name was completely removed. But before the discovery of gallium and germanium, their properties are identified. ऐसे आपको लिखना है, मतलब Eka aluminium किसका नाम था,
वो जर्मेनियम की डिस्कवरी से पहले जर्मेनियम का ही नाम था। गैलियम के एका सिलिकॉन किसका नाम था? जर्मेनियम की डिस्कवरी से पहले जर्मेनियम को बोलते थे एका सिलिकॉन। तो ये है, अगर बहुत शॉर्ट में आ जाए, एक मार्क्स में आ जाए, तो आप क्या लिखोगे? ही लेफ्ट सम गैप फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, एग्जाम्पल बिलो द एल्यूमिनियम गैप वॉज क्रिएटेड एंड नेम वॉज गिवन एका एल्यूमिनियम, एंड बिलो द सिलिकॉन गैप वॉज क्रिएटेड नेम वॉज गिवन एका सिलिकॉन। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने टाइम लिया है बोलने में ना। नंबर टू, दिस पेपर हेल्प अस सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट। ये एलिमेंट की सिस्टमेटिक स्टडी में हेल्प करती है, बहुत नॉर्मल पॉइंट है, बट क्यों है? बिकॉज सेम प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप। क्योंकि हम क्या करते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी सेम होती है उसे सेम ग्रुप में प्लेस करते हैं। पॉइंट नंबर थर्ड, ही करेक्टेड एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट। उसकी टेबल से पहले क्या था, कुछ एलिमेंट्स का एटॉमिक मास रॉन्ग था, तो उसने क्या करा, कुछ एलिमेंट के एटॉमिक मास को सही करा। तो कुछ एग्जांपल है, जैसे बेरियम का जो एटॉमिक मास था इसकी टेबल से पहले 13.5 लिखते थे सब, उसने इसको रॉन्ग करके सही लिखा 9, आज भी ये 9 ही है बेरियम का। लाइक गोल्ड प्लेटिनम एक्सेट्रा, इन एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को भी मेंडलिंग ने करेक्ट करा। नेक्स्ट देखो, ही मेड न्यू ग्रुप फॉर इनर्ट गैसेस। आपने सुना होगा इनर्ट गैस, आपकी पीरियोडिक जो टेबल है नई वाली, उसके बिल्कुल लास्ट में यहां यहां ऐसे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये सब बिल्कुल लास्ट में है टेबल के एंड में है, 18th ग्रुप में, इनको बोलते हैं इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस बिल्कुल रिएक्टिव नहीं होती हैं, न ये इलेक्ट्रॉन लेती हैं न इलेक्ट्रॉन देती हैं। क्यों नहीं लेती, क्यों नहीं देती भाई? बिकॉज इनर्ट गैस का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, हम पढ़ते थे ना क्लास 9 में ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है। तो क्या कॉन्सेप्ट है, इन इनर्ट गैसेस इन देयर आउटर मोस्ट शेल ऑक्टेट इज कंप्लीटेड, ड्यू टू दिस रीजन दे आर वेरी वेरी लेस रिएक्टिव, दे डोंट रिलीज और गेन इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब इन गैसेस की डिस्कवरी हुई लेटर ऑन, तो उसने क्या करा, इन गैसेस के लिए एक नया ग्रुप क्रिएट करा और उस ग्रुप में क्या करा, इन इनर्ट गैसेस को प्लेस करा। इसका क्या फायदा हुआ, ड्यू टू द न्यू ग्रुप क्रिएटेड द शेप ऑफ पीरियोडिक टेबल वॉज नॉट डिस्टर्ब एंड द पोजिशन ऑफ प्रीवियस एलिमेंट वर नॉट डिस्टर्ब। तो उसने क्या करा, जैसे इनर्ट गैसेस डिस्कवर हुई उसके लिए क्या करा, एक नया ग्रुप क्रिएट कर दिया, जिससे क्या हुआ, पीरियोडिक टेबल डिस्टर्ब होने से बच गई, एलिमेंट की लोकेशंस चेंज होने से बच गई। तो ये सारे के सारे अचीवमेंट है आपके मेंडेलियम की पीरियोडिक टेबल के। ये डिटेल में इतना ही है। देखिए, मेंडेलियम पीरियोडिक टेबल की कुछ लिमिटेशंस भी थी और लिमिटेशंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है अचीवमेंट से। देखिए, लिमिटेशन नंबर 1, ही कुड नॉट असाइन फिक्स्ड पोजीशन टू हाइड्रोजन। मतलब उसकी टेबल में हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं थी। इवन ये आज भी बड़ा प्रॉब्लम है, साइंटिस्टों को पता ही नहीं कि हाइड्रोजन की एक्चुअल पोजीशन क्या है। क्योंकि हाइड्रोजन में क्या प्रॉब्लम है, हाइड्रोजन प्रॉपर्टीज में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को भी रिसेंबल करता है और हाइड्रोजन प्रॉपर्टीज में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को भी रिसेंबल करता है। मतलब हाइड्रोजन कभी कभी मेटल का रोल प्ले करता है और कभी कभी नॉन मेटल का रोल प्ले करता है। इसलिए अभी तक डिसाइड नहीं है कि हाइड्रोजन को हम रखें कहाँ। इसीलिए आजकल जो पीरियोडिक टेबल आ रही है बिल्कुल मॉडर्न वाली, उसमें पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को बिल्कुल सेंटर में रखा हुआ है, बिल्कुल सेंटर में। आप देखना जो अच्छी बुक्स हैं, उन अच्छी बुक्स में एच की जो पोजीशन है वो बिल्कुल सेंटर में है, ना कॉर्नर पर नहीं है। तो फर्स्ट जो उसकी लिमिटेशन थी वो थी कि ही कुड नॉट असाइन फिक्स्ड पोजीशन टू हाइड्रोजन। अब उसका रीजन देखिए क्या है, हाइड्रोजन रिसेंबल्स विद एल्कली मेटल्स लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा। एल्कली मेटल बताया था मैंने, वो मेटल जो वाटर सॉल्युबल बेस बनाते हैं। क्यों, क्योंकि लिथियम की वैलेंसी भी +1 है, सोडियम की वैलेंसी भी क्या है, +1 है, पोटेशियम की वैलेंसी भी +1 है, एंड हाइड्रोजन ऑल्सो फॉर्म +1 आयन। तो क्या मतलब है,
हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम की तरह वन इलेक्ट्रॉन रिलीज करके प्लस वन आयन फॉर्म करता है, इसलिए हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी इनके जैसी है। लेकिन जैसे Cl2Br2I2 होता है मॉलिक्यूल, सिमिलरली हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल भी H2 होता है, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या है, हाइड्रोजन जैसी भी है। इसीलिए इसकी टेबल में हाइड्रोजन की लोकेशन फिक्स नहीं थी। ये ड्रॉबैक नंबर वन। ड्रॉबैक नंबर टू, इन सम प्लेस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास वाज नॉट प्रॉपरली फॉलोड, क्योंकि उसका लॉ ये था कि एलिमेंट्स वर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। उसने जब टेबल बनाई थी तो उसने क्या फॉलो करा था, एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज करना। लेकिन हुआ क्या, कुछ कुछ जगह उसने एटॉमिक मास के ऑर्डर को फॉलो नहीं करा। जैसे देखिए, आर्गन के बाद आता है पोटेशियम, लेकिन आर्गन का एटॉमिक मास है 39.9 और पोटेशियम का है 39.1, तो पोटेशियम पहले आना चाहिए। लेकिन उसने इसका भी सॉल्यूशन दिया, उसने बोला कि अगर मैं पोटेशियम को आर्गन के प्लेस पर रखता हूं और आर्गन को यहां रखता हूं, उसके ऊपर के और नीचे के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज मैच नहीं होती हैं, वो आगे बताऊंगा अभी मैं, है ना। सिमिलरली कोबाल्ट का है 58.93, निकल का है 58.71, बट फिर भी उसने क्या करा, कोबाल्ट को पीछे रखा, निकल को आगे रखा। इसका उसने एक्सप्लेनेशन ये दिया कि अगर मैं एटॉमिक मास को प्रॉपरली फॉलो करूंगा, इफ वी प्लेस अ निकल बिफोर द कोबाल्ट देन द एलिमेंट प्रेजेंट अबव द निकल एंड बिलो द निकल वर नॉट फाइंड सेम प्रॉपर्टीज विथ निकल। तो उसने कहा कि अगर मैं निकल को यहाँ रखूंगा तो निकल के ऊपर और नीचे मिलने वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज निकल से रिसेम्बल नहीं करेंगे, इसलिए मैंने क्या करा है, कोबाल्ट को पहले रखा है और निकल को बाद में रखा है। मैंने कुछ कुछ स्पेशल प्लेस पर एटमिक मास से ज्यादा प्रॉपर्टीज को वेटेज दिया है। तो ये ड्रॉबैक नंबर टू है। ड्रॉबैक नंबर थ्री, आइसोटॉप्स के लिए उसकी टेबल में कोई जगह नहीं थी। जैसे कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो आइसोटॉप के फॉर्म में मिलते हैं, जैसे C6-12, C6-13, C6-14। तो इससे क्वेश्चन पूछा कि आपकी जो टेबल है उसमें कौन सा कार्बन है, 12 वाला, 13 वाला या 14 वाला। तो ही वॉज टोटली कन्फ्यूज, उसके पास कोई आंसर नहीं था। इसका मतलब ही कुड नॉट असाइन द प्रॉपर प्लेस टू द आइसोटॉप ऑफ एलिमेंट्स। ये लिमिटेशन ध्यान रखना, लिमिटेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 101% चांस से आपसे पूछेगा ये। देखिए बेटा, कुछ क्वेश्चन देखते हैं अगेन। ये बोलता है क्वेश्चन नंबर वन में, आपके पास एलिमेंट्स हैं पोटेशियम, कार्बन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन एंड बैरियम। आपको क्या करना है, इसके ऑक्साइड का फॉर्मूला बनाना है। तो ऑक्साइड का फॉर्मूला कैसे बनेगा, के की वैलेंसी प्लस वन है, कार्बन तो जानते ही हो, CO2 बनेगा प्लस 3, Ba प्लस 2 एंड Si प्लस 4। O की वैलेंसी माइनस 2 होती है, तो क्रिस क्रॉस करोगे तो क्या बन जाएगा, K2O। Al को O माइनस 2 से करोगे क्या बन जाएगा, Al2O3। Ba को O माइनस 2 से करोगे तो क्या बन जाएगा, BaO। इसको O माइनस 2 से करोगे कट हो जाएगा, B2 बचेगा, क्या बन जाएगा, SO2। क्लियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन था कि ये जो एलिमेंट है इसके ऑक्साइड का फॉर्मूला क्रिएट करिए। अब आपको बताना है इनमें से कौन से ऑक्साइड है जिसकी प्रॉपर्टीज सेम है। तो देखो, SiO2 का फॉर्मूला और CO2 का फॉर्मूला सेम है, इसका मतलब कार्बन और सिलिकॉन की प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं, सही। क्वेश्चन नंबर टू है, एक्सेप्ट गैलियम विच एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड लेटर। गैलियम के अलावा ऐसे कौन से एलिमेंट्स थे जो बाद में डिस्कवर हुए। वो एक का पढ़ा था ना मैंने, एक का एल्यूमिनियम, एक का गैलियम। तो एक तो डिस्कवर कौन सा हुआ था, जर्मेनियम, और एक था स्कैंडियम। ध्यान रखना बेटा, ये नाम टू एलिमेंट्स डिस्कवर लेटर, फर्स्ट वन इज जर्मेनियम एंड सेकेंड इज स्कैंडियम। ये नया है कुछ। आगे देखिए, व्हाट वर क्राइटेरिया यूज्ड बाय मेंडेलीव टू फॉर्म पीरियोडिक टेबल। मेंडेलीव ने कौन सा क्राइटेरिया यूज करा पीरियोडिक टेबल को फॉर्म करने के लिए। तो नंबर वन क्या लिया उसने, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, और सेकंड क्या लिया उसने, रिएक्शन ऑफ एलिमेंट्स विद हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो आप क्या लिखोगे, ही सेलेक्ट द क्राइटेरिया टू डिस्कवर पीरियोडिक टेबल
First, increasing atomic mass, and second, he allowed the elements reaction with hydrogen and oxygen and formed chemical formula of hydrides and oxide. On the basis of their similarities, elements were classified in periodic table. Last question देखिए, why noble gases were placed in a separate group? Noble gas को हमने बिल्कुल separate group में क्यों रखा था? We place noble gases in separate group because they were totally non-reactive gas, they were inert in nature, that's why they kept in separate group so that the shape of table and position of previous elements not disturbed. तो ये सारे NCERT के आपके questions हैं, सही है बेटा? Okay, तो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट टर्न हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आप नॉर्मली यूज करते हो केमिस्ट्री में, सही है? कैसे होगा, क्या होगा, वी विल सी नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.